चलिए भाई आवाज जरा चेक करें भाई सब लोग जरा बताए भाई लाइव है सबको भाई गुड आफ्टरनून सब कुछ ठीक ठाक भाई हम दिख रहे हैं आवाज मेरी आ रही है सब कुछ ठीक ठाक है भाई जरा बता दें एक बार हेलो हाय सब कुछ ठीक ठाक सबका वेलकम भाई जरा अच्छे से सब लोग शेयर करें चलिए भाई सबका वेलकम ओके okay भाई सब कुछ क्लियर है भाई तो जरा एक बार भाई इसको मैक्सिमम आप लोग शेयर कर दें अच्छे से सभी को शेयर कर दें मैक्सिमम सभी को बता दें आज बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन क्लास सब लोग लाइव आ जाएं सभी को शेयर कर दें यह काम आपका है और सभी का वेलकम ठीक है आइए शुरू करते हैं चलिए भाई आज का बिल्कुल छोटा सवाल है बिल्कुल हल्का सवाल है ना बिल्कुल आज का पहला छोटा सवाल बहुत ही बढ़िया सा चलिए भाई बिल्कुल छोटा सवाल ठीक है भाई बिल्कुल छोटा सवाल है हल्का सा और इसको जरा सब लोग बताएं चलिए भाई बिल्कुल छोटा सवाल है हल्का सा ठीक है ना और सवाल यह है सवाल में लिखा है कि फाइंड बिल्कुल भाई पहला सवाल हल्का सा फाइंड सम ऑफ है ना फाइंड सम ऑफ और ये लिखा हुआ है फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स है ना जब तक सब लोग आ रहे हैं तब तक हम एक बहुत ही हल्का सा सवाल हमने उठाया जानबूझ करके फाइंड सम ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स पहली जो पांच विषम संख्याएं हैं विषम नहीं प्राइम संख्याएं है ना प्राइम क्या होता है अभाज्य है ना तो जो हमारी पहली जो पांच प्राइम नंबर्स हैं उनका योगफल कितना होगा फाइंड सम ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स तो ऐसे सवाल जो होते हैं ना देखिए ऐसे सवालों की कोई भी ट्रिक है ही नहीं मैथ में अभी तक क्या है ना देखिए मैथ में एक बात सुन लें अच्छे से पूरी मैथ के अंदर मैथ के अंदर अभी तक हमारे पास पाई का मान नहीं है अच्छा सा अभी तक हमारे पास अंडर रूट माइनस वन का वर्गमूल नहीं है अभी तक हमारे पास जो है अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर को लेकर के अभी तक हमारे पास प्राइम नंबर को लेकर के कोई भी कोई भी सीरीज वाला कोई भी ट्रिक नहीं है इसका ध्यान दिए रहना भैया है ना अभी तक हमारे पास प्राइम नंबर है ना इनको और अभाज्य संख्याओं माइनस का वर्गमूल और पाई का मान इन सब बातों के लिए अभी तक पूरी दुनिया में कई हजार सालों से इन तीन बातों का जवाब अभी तक नहीं है ठीक पाई का नाम पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन खाली मानी गई है ये केवल हमने खाली लेट किया है बस अभी अभी तक तो अभी एक खतरा है पाई को लेकर के एक खतरा है माइनस के रूट को लेकर के है ना ये वाली बात और दूसरी बात है कि हमारे पास तमाम श्रेणियां हैं है ना एपी है जीपी है समानांतर श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी है है ना पचासों श्रेणियां हैं हमारे पास प्राइम नंबर को लेकर के कोई भी सीरीज अभी तक नहीं है तो प्राइम नंबर का जो भी सवाल आएगा वो बिना किसी ट्रिक के होगा मैनुअल होगा बिल्कुल देख करके जोड़ के होगा है ना प्राइम नंबर का अभी तक कोई वो नहीं है तो एक काम करें तो जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो इन इन सवालों में कोई भी भैया वो ट्रिक नहीं है, है ना तो कहा गया कि भाई हमें बताना है पांच प्राइम नंबर का सम तो ये सवाल बिल्कुल मैनुअल होगा भाई है ना ये सवाल बिल्कुल जो है मैनुअल होगा कि हमारी जो पांच प्राइम संख्याएं होती हैं वो पहली दो होती है सबसे छोटी प्राइम संख्या टू है 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 ना जो इवेन भी उसके उसके बाद वाली तीन है, उसके बाद वाली वाली फिर ये अगली वाली सात है फिर अगली वाली कौन सी है अगली वाली है ग्यारह इलेवन और हमसे पूछा गया था इन सभी संख्याओं का जोड़ है ना कितना आया भाई सबका कितना आ गया था छब्बीस अट्ठाईस ग्यारह सात अट्ठारह अट्ठारह पांच तेईस तेईस तीन छब्बीस और छब्बीस दो 28 तो भाई इसका सही जवाब है कितना 28 ये आज का बिल्कुल छोटा सवाल है है ना सबको आता है ये जान लेना कि प्राइम नंबर को लेकर के कोई भी ट्रिक नहीं है कोई भी ट्रिक अभी पूरी दुनिया में नहीं है इसका ध्यान दिए रहना ठीक जो भी काम होगा मैनुअल होगा अगला सवाल देखिए इस पर अगला जो है सवाल देखिए हमारे पास अगला जो है सवाल देखिए दूसरा दूसरा भाई जरा सवाल देखिए बढ़िया सा ठीक है अट्ठाईस सही भाई है ना अब जरा एक सवाल सुने बढ़िया सा हाउ मेनी प्राइम नंबर आज का जो हमारा सवाल नंबर दूसरा है आज का हमारा जो सवाल नंबर दूसरा है कि भाई हाउ मेनी लो भाई यहां लिखा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स है ना हाउ मेनी प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स है ना बिल्कुल छोटा सवाल लेकिन आया सवाल हाउ मेनी प्राइम नंबर्स ठीक है भाई अच्छा नाइन प्राइम नहीं है ना 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 नाइन नंबर जो है वो प्राइम नहीं है नाइन नंबर जो है वो ऑर्ड है बिसम है अलग होता है प्राइम अलग है है ना सो नाइन इज नॉट प्राइम नंबर क्योंकि नाइन के हमारे फैक्टर हैं तीन एक से कटता है तीन से कटता है नौ से कटता है प्राइम नंबर वही होते हैं जो सिर्फ दो फैक्टर से कटें एक वन से और एक खुद से तो इसलिए भैया ये नाइन को भैया प्राइम नंबर मत मानो ठीक है ना नाइन तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं होगा चलो बिल्कुल छोटा सवाल है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स कहां तक हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन फिफ्टी यहां पे लिखा हुआ है आर लेस देन फिफ्टी लो भाई आर लेस देन हिंदी बोल रहे भैया है ना दोनों भाषा बोलेंगे आर लेस देन फिफ्टी फिफ्टी ठीक है भाई हां हां बिल्कुल सही बात है चलिए भाई कहा गया कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लेस देन पचास लेस देन फिफ्टी लेस देन फिफ्टी भाई मतलब पचास से छोटे पचास से छोटे कुल कितने जो है वो प्राइम नंबर्स होते हैं पचास से छोटे कुल कितने प्राइम नंबर तो हमने बताया था आज से तीन दिन पहले कि टोटल एक से सौ तक पच्चीस होते हैं एक से पचास तक पंद्रह होते हैं और पचास से लेकर के सौ तक दस और होते हैं इन बातों को याद रखना एक से लेकर सौ तक पच्चीस एक से पचास तक पंद्रह और पचास से सौ तक केवल दस तो यह वाली बातें आगे से याद रखना कि टोटल जो है वो वन से लेकर के सौ नंबर तक जो प्राइम नंबर होते हैं भैया वो पच्चीस होते हैं और एक से लेकर के जो पचास तक होते हैं वो हमने उस दिन बताया था क्लास में इनको आगे से याद रखना क्योंकि ये केवल काउंटिंग पर होगा तो हमसे पूछा गया था लेस देन पचास तो आपका उत्तर होगा कि एक से पचास तक केवल पंद्रह नंबर ऐसे होते हैं जो नंबर प्राइम होते हैं ना तो हमारा उत्तर है ये अगर कोई हमसे सौ तक पूछे तो हम पच्चीस कहेंगे अगर एक से पचास तक कहे तो हम पंद्रह कहेंगे अगर पचास से सौ तक कहे तो हम दस कहेंगे है ना ठीक है भाई चलो ये दो छोटे सवाल थे बढ़िया वाले पंद्रह बहुत बढ़िया बात बहुत बढ़िया अच्छी बात भाई चलिए भाई ये हो गया अब एक काम करें इसको अच्छे से सवालों का लेवल अब यहां से हल्का हल्का बढ़ता जाएगा सवालों का लेवल देखो यहां से बढ़ता जाएगा अगला भाई सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल लिख लो कि जो अगला हमारा सवाल है ना लिख लो अगला सवाल भैया बहुत ही बढ़िया सवाल है लिख लो बहुत ही प्यारा सवाल है लिख लो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिख लो कि भैया अगला जो सवाल है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है है ना जरा सवाल सुनो अगला सवाल क्या है अगला सवाल जो है वो वाकई जो है आपको गणित को सिखाएगा ये बिल्कुल हमारा वादा है कन्फर्म अगला सवाल आपको सिखाएगा बहुत सारी बातें देखिए भाई एक सवाल आया उसमें लिखा हुआ था एक सवाल आया उसमें लिखा हुआ था कि अप्रिंटर पहले सवाल को समझ लेना लिखा था अप्रिंटर अप्रिंटर नंबर्स द पेजेस यहां लिखा हुआ था ये भाई आज का पहला बिंदास और बढ़िया सवाल है ना आज का ये पहला बिंदास और अच्छा सवाल है धुआंधार क्वेश्चन बढ़िया सा है ना अ प्रिंटर नंबर्स पेजेस ऑफ बुक नंबर्स और आगे इसमें लिखा हुआ है नंबर्स द पेजेस ऑफ अ बुक सवाल सुनना यहां लिखा है पेजेस ऑफ अ बुक इसकी भैया हम हिंदी बोल रहे हैं परेशान मत हो है ना पेजेस अ बुक पेजेस अ बुक और आगे लिखा हुआ है स्टार्टिंग विद वन है ना पेज इज द बुक और आगे लिखा हुआ है यूज थ्री वन एट्टी नाइन डिजिट्स यहां लिखा है थ्री वन एट नाइन डिजिट्स भाई बहुत बढ़िया सवाल है आया हुआ है ना डिजिट्स तो कहा गया कि नंबर ऑफ पेजेस तो कहा गया फाइंड नंबर ऑफ पेजेस इसकी भाई में हिंदी बोल है हैं परेशान मत हो है ना कहा गया कि भाई नंबर ऑफ पेजेस देखिए भाई गणित को पढ़ाते समय हम आपके साथ फुली बाइलिंग्वल रहेंगे बाइलिंग्वल का मतलब होता है कि हम पहले अपना पूरा सवाल आपको इंग्लिश में बता देंगे इंग्लिश में लिख देंगे और बाद में हम आपके सारे सवाल को बहुत अच्छे से सेम टू सेम आपको उसकी हम हिंदी बता देंगे इंग्लिश में था प्रिंटर नंबर द पेजेस ऑफ अ बुक यूज थ्री वन एट नाइन डिजिट देन दंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इसका हिंदी होगा कि किसी जो है आ, प्रिंटर ने है ना टाइप करने वाले ने किसी प्रिंटर ने एक बुक के पेज नंबर को लिखते समय जैसे लिखा होता है पेज नंबर वन पेज नंबर टू पेज नंबर थ्री तो एक प्रिंटर ने बुक के पेज को छापते समय टोटल तीन हजार एक सौ नवासी है ना थ्री वन एट नाइन डिजिट का यूज किया है ना पेज नंबर वन पेज नंबर टू पेज नंबर थ्री फाइव सिक्स ग्यारह बारह चौदह पंद्रह एक हजार दो हजार ऐसे होते होते उसने जो आ, क्लिक किया होगा वो एक बार दो बार तीन बार चार बार इस तरीके से उसने टोटल हजार एक सौ नवासी अंकों का प्रयोग कर डाला है ना किताब को लिखते समय है ना? तो कहा गया कि उस किताब में कुल कितने पेज हैं, जो किताब किताब तैयार हुई, उस में कुल कितने पन्ने पाए गए जैसे हमने कहा भाई हमने कोई किताब को लिया मान लो और कहा भाई ये जैसे मान लो कोई किताब हमारे पास है अगर ये बुक है तो बुक ने बुक में यहां छपा होगा एक पन्ना यहां छपेगा फिर ये दो पेज फिर ऐसे तीन पेज तो जहां पर ये पेज का नंबर आता है वहां वहां पेज नंबर एक पेज नंबर दो पेज नंबर तीन पेज नंबर चार तो जब किताब तैयार हुई ना तो प्रिंटर ने टोटल तीन हजार एक सौ नवासी अंकों का यूज किया तो जो किताब तैयार हुई इस पूरी किताब में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं बहुत ही अच्छा सवाल है सारे एग्जाम के लिए है ना तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया भाई बहुत ही प्यारा सवाल है बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन है ना प्यारा क्वेश्चन अद्भुत क्वेश्चन जवाब दो भाई ठीक है भाई है ना तो यहां पर यह आ गया और इसके बाद जो है मैथ्स के लिए बताइए भाई जल्दी बोलो भाई जल्दी बोलो भाई अरे भाई चाहे पहले हम हिंदी बोल दें या बाद में इंग्लिश बोल दें या पहले हम इंग्लिश बोल दें या फिर हिंदी बोल दें भाई चाहे बोले हम दाल चावल या चावल दाल खाना आपको वही मिलेगा दाल और चावल सेम बात है चावल और दाल सेम बात है तो चाहे पहले हम इंग्लिश को लिख के हिंदी बता दें या हिंदी लिख करके इंग्लिश बोल दें है ना दोनों मैटर सेम है जल्दी बताओ भाई चलो भाई पहला आंसर आ रहा है एक हजार पचहत्तर पहला आंसर आ रहा है एक हजार पचहत्तर पेज जल्दी बोलो भाई सब लोग अच्छा एक काम करो जो हमारी किताब बनी होगी ना जो हमारी भाई किताब ये तैयार हुई होगी भाई ध्यान देना सब लोग सोल्यूशन में आ जाओ अच्छा ये बताओ कि पेज नंबर एक से बात मत करो पेज नंबर एक से नाइन तक एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ एक से नौ तक कुल हमारे नौ पन्ने होते हैं इसका मतलब हुआ है कि वन से लेकर के नाइन पेज तक एकदम भाई सिंपल सी बात बोल रहे हैं एक से लेकर के नौ पन्ने तक पेज नंबर एक में एक लिखा होगा दो नंबर पेज में दो लिखा होगा आठ नंबर पेज में आठ लिखा होगा नाइन नंबर पेज में नाइन लिखा होगा तो हर पन्ने में यूज हुआ होगा एक एक अंक है ना टाइपिंग के समय पेज नंबर वन पेज टू पेज थ्री तो एक से लेकर के नौ तक, तो टोटल एक एक अंक नौ बार यूज हुआ होगा ध्यान देना भाई नौ बार है ना नौ पन्नों में नौ बार हर बार वन अंक तो टोटल जो है वो नाइन डिजिट्स का यूज हुआ क्यों तो टोटल यूज हुआ नाइन डिजिट का लेकिन हम जैसे ही पहुंचे होंगे नाइन पेज के आगे से हम पहुंचे होंगे नाइन पेज के आगे दस पेज से तो ये देख लो कल भी बात हुई थी दस पेज से दो अंकों के पेज होते हैं नाइन्टी नाइन तक ध्यान रहे एक से नौ अंक तक एक अंक आता है और दस से लेकर के नाइन्टी नाइन तक हर पन्ने में दो दो अंक आएंगे तो दस से लेकर नाइन्टी नाइन तक पन्ने कितने हो गए कल भी कहा था नाइन्टी पन्ने होते हैं क्योंकि एक से लेकर के नाइनटी नाइन तक नाइन्टी नाइन होता है और तुमने एक से नौ तक जो है काउंट कर लिया है तो जब हम नाइनटी नाइन में नौ पन्ने हटाएंगे तो दस से लेकर यहां तक कुल हमारे पास कितने पेज आएंगे कुल हमारे पेज आएंगे नब्बे इसका मतलब हो गया है कि हमारे पास टोटल जो है वो नब्बे पेज आए है ना और नब्बे पेज में हर बार दो दो अंक यूज होंगे दस बोलोगे तो दो अंक ग्यारह बोलोगे दो अंक पंद्रह कहोगे दो दो अंक निन्यानवे कहोगे दो दो अंक तो टोटल नब्बे पन्नों में दो दो अंक तो कितना यूज हो गया ये आपका यूज हो गया 180 डिजिट यूज हो गया 180 अंक यूज हो गया क्यों भाई 180 अंक यूज हुआ फिर क्या होगा कि निन्यानवे के बाद निन्यानवे के बाद 100 से लेकर के ध्यान रहे 100 से लेकर के ट्रिपल नाइन तक ट्रिपल नाइन पन्ने तक ध्यान रहे भाई ट्रिपल नाइन पेजेस तक भाई एक से लेकर के 999 तक कुल पन्ने हो गए 999 लेकिन तुमने एक से निन्यानवे पहले गिन है ना टोटल एक से ट्रिपल नाइन तक 999 पेज लेकिन तुमने एक से निन्यानवे तक गिन लिया है तो 99 पेजेस हटा लो तो बचे कितने 900 पेज तो 100 से लेकर के 999 तक ये निन्यानवे हट गए बचे 900 पन्ने और उन 900 पन्नों में यूज हुआ होगा हर बार तीन तीन अंक सौ लिखा होगा तो वन जीरो जीरो फिर एक सौ ग्यारह एक सौ बारह एक सौ पचास सत्तर हर बार प्रिंटर ने मारा होगा तीन बार टिक है ना तीन बार टिक तो तीन तीन अंकों में प्रिंटर ने मारा होगा तीन बार ट्रिक और कितने पन्नों में नौ सौ में तो कुल कितना हो गया टोटल उसने यूज कर लिया होगा भैया सत्ताईस सौ डिजिट ध्यान देना भाई है ना एक काम करो तो एक से नौ एक पन्ने वाले नौ बार दो पन्ने वाले नब्बे बार तीन पन्ने वाले नौ सौ बार अभी तक हमारी इतने अंक का यूज हो चुका है है ना अभी तक हमारे पास इतने का यूज यहां तक हो चुका है अब एक काम करो हमारे पास कहा गया था कि भाई प्रिंटर ने टोटल जो है वो कितने कितने अंकों का यूज किया था प्रिंटर ने टोटल तीन अंकों का डिजिट का यूज किया था यह देख लो कि एक पन्ने से लेकर के 999 पन्ने तक तुमने टोटल कितने अंक यूज किए हैं तुमने नौ अंक ये यूज किए हैं तुमने जो है 180 ये यूज किए हैं तुमने 2700 तो यहां यूज किया है तो एक काम करो तीन नवासी में से जितने अंक यूज हो चुके हैं पहले उनको हटा लो है ना पहले उनको हटा लो वहां से तो जब इनको हटा लोगे तो एक काम करो मैं इसको हल्का सा ऊपर कर रहा हूं भाई है ना इसको हल्का सा मैं कर रहा हूं यहां पर ऐसे करके मैं इसको इसको कर रहा ऊपर लो भाई इसको हमने यहां से कर लिया ऐसे ऊपर इसको भाई समझ लेना है ना स्पेस कुछ बनाने दो तो ये देख लो यहां क्या हुआ इस पर हमारे पास क्या हो गया कि टोटल तीन हजार एक सौ नवासी में ध्यान देना भाई टोटल तीन हजार एक सौ नवासी में अगर हम माइनस कर दें ध्यान रहे भाई अगर हम माइनस करवा दें जितने अंक यूज हो गए हैं कितने यूज हुए हैं नाइन एक सौ अस्सी और ये इतने सत्ताईस टोटल हमारे पास यूज हो गए हैं कितने अंक ये नाइन का यूज हो चुका है इसके बाद ये आठ सात पंद्रह मतलब सत्ताईस सौ है ना ये देख लो टोटल हमने सत्ताइस सौ पन्ने अंक 180 और देखो ये हमने नौ का यूज किया है तो ये नाइन हो गया है ये आठ हो गया है ये सात एक आठ हो गया है ये दो हो गया है क्यों भाई तो टोटल इतने में से हमारे पास अगर देखा जाएगा तो दो आठ आठ नौ डिजिट का यूज हो चुका था है ना इतने का डिजिट का यूज हमारे पास टोटल हो चुका था तो यहां से घटा दो तो ये आ गया जीरो यहां से ये हमारे पास आ गया, आ गया। आगे चल करके कितना जीरो आ गया और यहां से ग्यारह में कितना आठ निकल गया कितना तीन बचेगा ये हो गया तीन अभी भी हमारे पास तीन सौ डिजिट जो है बची हुई है कितनी बची है तीन हजार डिजिट अभी तक बची हुई है तीन सौ है ना ये वाली बची हुई है और हमारे पास ये देख लो एक अंक वाला यूज हो चुका है दो दो यूज हो गए हैं तीन तीन हो गए हैं अब नौ सौ निन्यानवे पेज के बाद जो अगला पन्ना बचेगा वो पन्ना आएगा एक हजार एक हजार एक एक हजार दो एक हजार तीन हर पन्ने में अंक कितने हो जाएंगे चार चार एक हजार बोलोगे तो एक तीन बार जीरो एक हजार दो बोलोगे तो वन जीरो जीरो टू बोलोगे और वो अंक कितने बचे हैं तीन सौ। तो अगर हम तीन सौ अंकों में चार चार अंकों से खाली भाग दे दें अरे भाई तीन सौ बचे हुए थे अंक और हर पन्ने में छपेंगे चार चार अंक तो देखो तीन सौ अंक तुम कितने बार छापोगे तो जब इसको भाग दोगे ना जो काटोगे तो कितना आ जाएगा सेवेंटी ये तुम्हारा आ जाएगा भैया सेवेंटी फाइव इसका मतलब हो गया है कि नौ पन्ने ये नब्बे पन्ने ये और यहां से ये इतने हो गए और यहां से ये पचहत्तर पन्ने और हो गए तो जो आपकी बुक तैयार होगी उसमें आपके पन्ने पाए जाएंगे नौ पन्ने नब्बे पन्ने और नौ पन्ने है ना और पचहत्तर पन्ने ये वाले तो इनको सबको जोड़ दो उठा करके तो कुल कितना आ जाएगा ये हो जाएगा नौ सौ नब्बे और नौ तो तुम्हारी जो किताब बनेगी वो बनेगी नौ सौ और नब्बे प्लस नाइन और प्लस पचहत्तर तो कुल कितना आ गया जल्दी बोलो भाई कितना एक हजार कितना आएगा है ना तो तुम्हारा ये टोटल आ गया है एक हजार चौहत्तर पेज लो भैया ये तुम्हारा इसका सही उत्तर है एक हजार चौहत्तर पन्नों वाली किताब तैयार होगी यह मामला था इसके डिजिट गिनने का और आपके जो सवाल तैयार हुए हैं आपका यह रहा सवाल का आंसर कि टोटल एक हजार चौहत्तर पन्नों की पेज की आपकी यह बुकलेट तैयार हुई होगी एक हजार चौहत्तर है ना भाई चलिए भाई अगर कोई डाउट हो उसको बताना अच्छा इन सवालों में कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी सबसे साफ बात सीधी बात इन वाले सवालों में कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है है ना तो इसको आप लिख लें नोट कर लें बढ़िया सवाल था अच्छा सा चलिए भाई एक हजार चौहत्तर ठीक भाई अब एक काम करते इसको हैं इसको हटाते हैं चलिए भाई इसको देखना इसको हटाते हैं आते हैं हम अगले वाले अपने जो है सवाल के पास ये बात सबको आ गई है ना एक से नौ पन्ने फिर एक से नौ से फिर निन्यानवे फिर सौ से ट्रिपल नाइन वहां से फिर बचे पन्ने से चार चार भाग दोगे चले भाई अब एक काम करो इसके बाद अगली बात आओ अगली जरा भाई बात पर आ जाओ अगला जरा भाई सवाल लिखो बढ़िया सवाल अगला भाई सवाल लिखो बहुत ही बढ़िया सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल है अगला बहुत ही अच्छा सवाल अगला लो भाई देखिए भाई अगला सवाल है फ्रॉम वन टू थाउजेंड लो भाई फ्रॉम वन और ये लिखा है वन टू थाउजेंड मतलब एक से एक हजार ठीक है भाई चार डिजिट वाला कैसे हुआ सुनो भाई चार डिजिट वाला जब सारे पन्ने निकल गए हमने घटाया तो हमारे पास टोटल यहां पे 300 अंक बचे थे जो 300 अंक बचे थे अब क्या होगा कि 999 के बाद एक से लेकर के 999 पेज की बात हो गई थी ध्यान देना अब यहां से पेज शुरू हो जाएगा ध्यान देना एक हजार भाई जिसने पूछा है एक हजार एक फिर तुम बोलते हो एक हजार दो तो ये बताओ कि 999 के बाद तुम्हारे हर पन्ने पर पेज नंबर में क्या लिखा होगा एक हजार एक हजार एक एक हजार दो एक हजार चार एक हजार पांच तो हर बार तुम कितने अंक उसमें उमारोगे? एक दो तीन और चार हर बार चार चार नंबर टाइप होंगे ठीक बचे कितने थे तीन सौ तो ऐसे पन्ने छापने के लिए अगर हम चार से भाग कर दें तो हमारे पास वो पन्ने निकल आएंगे कि हमने कितने पन्ने में चार चार अंक छापे होंगे आ गया भाई सबको ठीक भाई आ गया है ना एक हजार एक हजार एक एक हजार दो है ना तो इसमें क्या होगा कि नौ सौ निन्यानवे के बाद एक हजार से आगे वाले पन्नों में हर बार हम चार चार अंक छापेंगे और हमारे पास अंक जो बचे थे छपने के लिए वो थे तीन सौ हर पन्ने में चार चार तो भैया एक पन्ने में चार दो पन्ने में अगला चार अगला चार अगला चार तो इसको कहते हैं भाग देना अगर हम टोटल अंकों को चार से भाग दे दें देन हमको मिल जाएंगे भाई तो कितने पन्ने और बने कितने बन गए पचहत्तर सबको जोड़ दिया सबको आ गया भाई ओके भाई अब एक काम करो भाई इस सवाल को हटाओ ये तो खैर चल ही रहा था इस पर आओ जरा फ्रॉम वन टू थाउजेंड अगला सवाल फ्रॉम वन टू थाउजेंड और यहां लिखा है कि फ्रॉम वन टू थाउजेंड फाइव विल एपियर है ना फाइव विल एपियर फाइव Will appear, बस बिल्कुल देखो छोटा सवाल बिल्कुल हल्का सवाल है ना कहा गया कि एक से लेकर एक हजार तक हिंदी में आ जाओ एक से लेकर एक हजार की संख्याओं तक पांच एपियर होगा पांच कितने बार आएगा है ना सिंपल हिंदी बोल रहे हैं कि फाइव विल एपियर है ना उसका हिंदी वर्जन है कि पांच कितने बार आएगा मतलब अगर हम सीधी बात बोलें तो एक से लेकर एक हजार तक पूरी गिनतियों में पांच कितने बार आया होगा पांच कितने बार आया होगा धन्यवाद भाई धन्यवाद भाई है ना ये लो फ्रॉम वन टू थाउजेंड फाइव विल अपियर एक से लेकर एक हजार की गिनतियों में पांच कहे चार कहे छे कहे सात कहे है ना पांच अंक कितने बार आया होगा जल्दी बोलो भाई जल्दी बोलो भाई जल्दी बोलो भाई सब लोग पाँच कितने बार आया होगा जल्दी से बोलो भाई शुक्रिया भाई धन्यवाद भाई सभी को भाई धन्यवाद शुक्रिया भाई खूब अच्छा पढ़ो अच्छा बनो है ना मोटिवेटेड रहो लाइफ को अच्छे से जियो बिंदास रहो कुछ बनके दिखाओ और बनोगे तभी जब भैया काम करोगे है ना मेहनत करोगे सवाल है एक से लेकर एक हजार तक पूरी संख्याओं में पांच कितने बार आया होगा इसमें आप लोग क्या बोलोगे एक सौ दस जल्दी बोलो भाई जल्दी 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 से बोलो भाई बड़ा ही बढ़िया सवाल है भाई और सबसे खास बात है कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें यह सवाल आया हुआ है यह सवाल जो है वो यूपीएससी के या फिर सी के जितने भी एग्जाम हुए हैं ये सवाल सब में आ चुका है केवल केवल चेंज कहा था कहीं पांच है कहीं चार है कहीं तीन है जितना एग्जाम यूपीएससी में हुआ है ठीक ऐसा सवाल कंफर्म आया है चलो भाई कोई बोला 110 कोई बोला 180 कोई बोला जो है 200 है ना जल्दी से बोलो भाई जल्दी से अपने अपने कमेंट करो भाई जल्दी से अपने अपने कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक काम करो देखो सबसे पहली बात ऐसे सवालों में खासकर जो सवाल जो है वो अच्छे पेपरों में आते हैं ऐसे सवालों में बहुत ज्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है ना बिल्कुल सीधी बात ऐसे सवालों में जहां पर मैथ आती है पैसेज में बन के बड़ा बड़ा है ना और डेटा के साथ तो इन सवालों में बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है है ना पैसेज को पढ़ो सवाल को पढ़ो चिंतन करो उसको लगाओ देखो वन से लेकर के एक हजार तो भैया हमारी औकात नहीं है कि हम एक से लेकर के हजार तक गिन लें तो ऐसे सवाल में पहले गिना करो एक से सौ तक अब जितने बार वो सौ तक आएगा सेम वो नंबर कंफर्म आएगा फिर अगले सौ में फिर अगले सौ में फिर अगले सौ में है ना तो ऐसे सवाल जब भी आए ये वाले तो पहले ये देखो कि भैया एक से लेकर लिखने जा रहे हैं कि भैया इसका जो सोल्यूशन है ना पहले ये देखो कि एक से लेकर के वन टू हंड्रेड पहले देखो कि भैया क्या कहानी है वन टू हंड्रेड में यहां लिखो कि क्या कहानी है है ना क्या कहानी होगी या क्या कहानी है एक से सौ तक की पहले ये पकड़ो ना कि एक से सौ तक पांच कितने बार आता है अरे तो भाई एक से सौ तक जो होता है ना उसमें पंद्रह नंबर में, में फिर आता है देखो पच्चीस नंबर में फिर आता है पैंतीस में फिर आता है पैंतालीस में फिर आता है देखो पचपन में फिर आता है किसमें कुछ और छूटा गया पैंसठ में और इसके बाद जो है पचपन के पहले भाई पचास भी आता है फिर पैंसठ आएगा है ना फिर कौन सा आएगा फिर आएगा पचहत्तर फिर आएगा पचासी और फिर आएगा कितना पंचानवे ये सारा काम भैया मैनुअल होगा ऐसे सवालों का कोई भी शॉर्टिक है ही नहीं ठीक है ना चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत ही बढ़िया चीज है ना बहुत ही मस्त बिंदास है ना बहुत ही जवाब मस्त वाला बिंदास वाला तो ये देख लो ऐसा सवाल जब भी कोई आए तुमसे पूछे कि भैया एक से एक हजार एक से दो हजार तीन हजार पचास हजार सबसे पहला काम करना ये देखना कि एक से सौ तक की कहानी क्या हुई एक से एक से सौ नंबर तक में हमसे देखो पांच पूछा गया था तो एक से सौ नंबर में भैया जो पांच आया ना वो पांच आता है एक बार पांच पर पंद्रह में पच्चीस में पैंतीस में पैंतालीस में लेकिन पचपन में दो बार आता है पचास में पैंसठ पचहत्तर पचासी पंचानवे मतलब एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ कितना हो गया ज्यादा हो गया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस एक ज्यादा कैसे हो गया है अच्छा अच्छा सही बात सही बात अच्छा भाई अब इसमें कहानी क्या होगी देखो अब इसमें कहानी क्या होगी कि जैसे हम थोड़ा एक काम करेंगे कि हम इसको यहां से उड़ाते हैं पहले इसको यहां से उड़ा दो क्योंकि जब कहानी शुरू होती है ये वाली ना इक्यावन बावन तिरपन चौवन ध्यान देना भाई पचपन ध्यान रहे छप्पन सत्तावन अट्ठावन और उनसठ वाली तो टोटल एक से लेकर के सौ तक इतने जगहों में भैया इतने जगहों में आता है पांच पांच तो देखो ये एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ बार तो यही हो गया और नौ बार के बाद दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह पचपन दो बार है उन्नीस बीस बार आएगा एक छूटा कहां पर पचास कहां गया पचास छूट गया ना ये वाला यहां पे पचास लिख दो तो एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ तो ठीक नौ तो यही हो गया फिर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस देखो दस बार ये हो गया अभी अभी नौ बार ये हो गया उन्नीस बार लेकिन इस पचपन पचपन वाले में एक बार और आया था तो कुल कितना हो गया बीस बार तो भैया ये काम नहीं था आगे से याद रखना कि कोई भी अंक हो वो एक से सौ तक बीस बार आता है, है ना अब आगे से ये काम मत करना अब ये देख लो कि तुम्हारे पास कितने बार आया ये भैया तुम्हारे पास आया है बीस बार आगे से सब लोग इसको एकदम याद रखना हाँ बिल्कुल सही बात है बिल्कुल है ना अच्छी बात है पचास से लेकर यहां तक ये आएगा इतने बार अब आगे से याद रखना एक से लेकर के सौ तक टोटल कोई भी अंक होगा वो भैया बीस बार आएगा ठीक है याद हो गया बीस बार आएगा ऐसे बता दिया तो जरा इसको हटा लो भाई इसको जरा हटा लो क्योंकि ये बीस बार आ ही रहा था ये देख लो इसका मतलब हो गया है कि एक से सौ तक आप ध्यान देना एक से सौ तक जो ये पांच आ रहा था भैया ये आ रहा था बीस बार है ना ये आया था बीस बार और हमको निकालना था एक से हजार तक तो एक से हजार तक में सौ सौ नंबर कितने बार आएंगे एक से सौ सौ से दो सौ तीन सौ दस बार आएंगे है ना तो एक से लेकर के एक हजार तक ध्यान देना भाई एक से लेकर के एक हजार तक क्या होगा कि तुम्हारे सौ सौ के दस आएंगे है ना लेन तो तुम्हारे पास सौ सौ आएंगे दस बार और हर दस बार में हर सौ में आएगा बीस बार तो कितना हो जाएगा दो सौ बार ध्यान देना भाई दो सौ बार हो जाएगा इसका मतलब हो गया कि एक से लेकर एक हजार तक तुम्हारे पास ये सौ सौ के दो लेन आए सौ सौ के तुम्हारे पास दस लेन आए और हर हर सौ नंबर में बीस बार तो दस बार में आया होगा बीस बीस करके कितने बार ये तुम्हारा आया होगा दो सौ बार ठीक है भाई लिख दिया लिख दिया सब लिख दिया अच्छा ये आ गया लेकिन अब ध्यान देना भाई अब ध्यान देना ये तो हमने देख लिया बिल्कुल सिंपल वाला लेकिन लेकिन जब मेरी निगाह पड़ेगी पांच सौ एक पर है ना पांच सौ पांच सौ एक पांच सौ दो पांच सौ तीन पांच सौ चार पांच सौ छह पांच सौ इक्कीस पांच सौ तेईस पांच सौ बत्तीस पांच सौ पचासी तो हर सैकड़े वाले में सौ बार पांच और आएगा ध्यान देना भाई जब हमारी निगाह पड़ेगी 500 से लेकर के कहां तक पांच तक इसका ध्यान देना भाई सबसे इसका मेन पंगा यही था देखो ये तो जो आपने गिना है ना ये वाले ये वाले ये जो आपने गिना है ये तो गिना है जो पांच आया था इकाई में और दहाई में है ना पांच वाला पंद्रह वाला है ना पच्चीस वाला पचपन वाला ये सब क्या थे इकाई वाले पांच दहाई वाले पांच लेकिन जब लेन आती है 500 से लेकर के 599 तक तो ये कुल नंबर हो जाते हैं 100 और 100 नंबर में हर बार यहां पर 599 तक 100 बार सैकड़े वाले नंबर में पांच पांच आएगा तो इसका मतलब हो गया कि भैया ये 100 बार पांच यहां पर और आएगा ठीक तो इकाई इकाई और दहाई में आएंगे 200 बार और सैकड़े वाले में आएंगे 500 से लेकर पांच सौ निन्यानवे तक सौ बार और आ जाएंगे तो कुल कितने आ गए तो तुम्हारे पांच हो चाहे सात हो तुम्हारे ये पांच आएंगे कुल तीन सौ बार है ना पांच सौ आएंगे किसले जो है किसले चतुर्वेदी पांच सौ पचपन में जब हमने यहां पे लिया था ना तो हमने वो सारे पचपन वाले पांच बोले हैं ठीक है ना जब हमने यहां पांच से पांच का ये जब पचपन हुआ होगा तो ये इस बीस बार में तुम्हारा वो वाला पचपन भी आ गया होगा इसका ध्यान देना पांच जब तुमने ये बीस बार बोला था तो वो दहाई वाला पांच का जो दहाई का पांच था वो शामिल हो गया था इस वाले बीस बार में इसका ध्यान देना इसलिए केवल हम पांच से लेके पांच तक केवल हम जो है वो सौ बार जो ये सैकड़ा वाले आएंगे बस खाली इनको लेंगे वो डबल वाले यहां नहीं गिन चुके हैं जो पहले गिने हो 200 बार वो सब क्या थे ये 10 बार तो 10 बार में एक से 100 100 से 200 सौ से 300 सौ से 400 400 से 500 500 से 600 तो उसमें सारा जो इकाई दहाई था वो सब यहां गया था ये तो हमने खाली वो गिना है जो एग्जैक्ट सैकड़े में आ रहा है सौ बार और ठीक है भाई किसले चतुर्वेदी भाई ठीक है ना 555 वाली बात नहीं ये देखो जो आपने यहां मुद्दा उठाया ना ये पांच का ये देख लो जो आपने ये रास्ते में हमसे कहा भैया पांच में तीन बार आएगा तो ये जो हमने ये 20 बार यहां काउंट किया है ना पहले 10 बार में 20 20 बार ये तुम्हारा पचपन वाला नंबर जो है वो उसी 20 बार में शामिल था पहले ही तो ये जो हमने 100 लिया ये तो खाली ये वाले नंबर है ना तो भाई जरा इसका ध्यान देना ये बहुत ही बढ़िया सवाल है इसको ट्राई करना हमारा आंसर है तीन है ना इसका ध्यान देना हमारा आंसर कितना है तीन चले भाई कितना हो गया तीन सौ हो गया भाई चलो कोई डाउट हो भाई इसको भाई कल फिर पूछ लेना एकदम सिंपल खाली काउंटिंग है लेकिन ये सब आए सवाल है पेपर के अगर इतना सीख गए तो आपका एग्जाम का जो एक डर है जो भूत है सब खत्म हो जाएगा अगर इतना सीख गए देखिए मेन बात होता है एग्जाम के प्रति डर का दूर हो जाना तो अगर इतनी बात कोई सीख रहा है तो उसके मन में खौफ और डर खत्म हो जाता है, है ना अगला सवाल सुनो बढ़िया हाँ सा अगला भाई सवाल सुनो बढ़िया हाँ सा बढ़िया हाँ सवाल सुनो अगला चलिए भाई Osionfish. जरा एक सवाल करके दिखाओ ये वाला अगला भाई सवाल जो है जरा कर लो है ना देखो ये सवाल लिखा हुआ है इलेवन का स्क्वायर ये लिखा है ट्वेल्व का स्क्वायर और ये लिखा हुआ है थर्टीन का स्क्वायर और थर्टीन के स्क्वायर के बाद फिर ये आगे लिखा हुआ है यहां से यहां जाकर के और ये लिखा हुआ है प्लस ट्वेंटी का स्क्वायर ये लिखा हुआ है ट्वेंटी का स्क्वायर बराबर कितना होगा जल्दी बोलो भाई जल्दी बोलो भाई ठीक है जल्दी बोलो भाई इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और बीस का स्क्वायर अगर सबको जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ें जल्दी बोलो भाई जल्दी बोलो भाई कैसे करें इसको एक काम करो देखो आपकी संख्याएं हैं कैसे स्क्वायर में हमने उस दिन एक बात बताई थी याद करो भाई हमने उस दिन एक बात बताई होगी कंफर्म बताई थी सबको कि अगर कभी वन स्क्वायर देखो याद करो टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर है ना अगर यहां से लेकर के कभी अगर एन नंबर तक हमें कोई जोड़ने को बोले तो एक फार्मूला हमने बताया था एन एन प्लस वन याद करना भाई ये सब बातें पुरानी बातें हैं और हमने इसको डिवाइड किया था छः से अगर कभी संख्याएं स्क्वायर में हैं और संख्याएं क्रम से हैं है ना अगर संख्याएं क्रम से हैं वन टू थ्री फोर फाइव है ना जहां तक हो तो अगर ये स्क्वायर में है यहां से लेकर के और जहां तक जाए तो इनको जोड़ने के लिए जहां ये बंद हो उसको लिख देना एक ज्यादा कर देना डबल करके एक ज्यादा कर देना और इसको छे से डिवाइड कर लेना लेकिन हमारा जो सवाल था ना अब सुनना भाई लेकिन जो हमारा सवाल था उसमें माजरा क्या उल्टा हो रहा है कि हमारा सवाल वन से जो है शुरू हुआ ही नहीं हमारा सवाल शुरू हुआ ग्यारह से और यह वाला फार्मूला लगता है जब यह सवाल शुरू हो हमेशा वन से तो एक काम करो इस सवाल को बनाने के लिए क्या करो कि इसमें जो चीज कमी है उसको इसको दे दो ये देख लो इसमें जो कमी है उसको दे दो तो हमने इसमें जोड़ दिया हमने वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर और यह देख लो यहां से लेकर के हमने इसमें दस स्क्वायर जोड़ दिया और आगे ग्यारह से था देखो भाई ग्यारह स्क्वायर से लेकर के ये देखो बीस तक था तो हमने क्या किया कि इसमें हमने एक से दस तक जो कमी थी वो हमने इसको दे दिया तो हमारा सवाल हो गया पूरा लेकिन देखो मैथ का नियम है कि जितना आपने यहां जोड़ा हो उतना बाद में उतना बाद में माइनस भी करोगे तो वन स्क्वायर और टू स्क्वायर से लेकर के कितना जोड़ा था दस स्क्वायर तक आपने जोड़ा था तो जितना आपने यहां पर ऐड किया है उतना ही वहां पर अकॉर्डिंग टू नियम उसको वहां से हटाना भी होगा और अब जो है चुपचाप जाओ और जाने के बाद एक स्क्वायर से लेके बीस तक ये वाला आपका फार्मूला है यहां पे जाएगा बीस तो देखो आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा देखो बीस आ जाएगा फिर होता है बीस से एक ज्यादा देखो इक्कीस आ जाएगा फिर होता है बीस का डबल और एक ज्यादा तो बीस इंटू दो चालीस और एक देखो इकतालीस आ जाएगा इसको 6 से डिवाइड करेंगे है ना और डिवाइड करने के बाद माइनस करेंगे और एक से लेके दस तक जाएंगे तो देखो अब यहां पे दस है तो यहां लिखेंगे भैया टेन यहां लिखेंगे टेन प्लस वन इलेवन और यहां लिखेंगे टेन इंटू टू प्लस वन कितना इक्कीस और यहां डिवाइड मारेंगे 6 से अब भैया इसको अपना सॉल्व कर लेना जो भी आएगा वो इस सवाल का तुम्हारा आंसर होगा इसको भैया छोड़ दें है ना कर लोगे ना इसको काटा पीटी है ना हो जाएगा ना हो जाएगा है ना इसको यहां से काटा पीती करके जो भी मल्टीप्लाई हो उसमें से इसे माइनस कर देना ठीक है ना चलो भाई इसको हम यहां से लीव कर रहे हैं और ये काम ये होमवर्क आपके लिए है इसे करना बताना बहुत बढ़िया भाई दो बहुत बढ़िया इतना ही आएगा क्या 2485 ऑप्शन में है है। चलिए भाई ऑप्शन में 2485 है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई सुपर भाई सुपर है ना बहुत खूब बहुत खूब देखिए एक बात जान लें सब लोग एक बात जान लें आप गणित ऐसा विषय होगा कि गणित सबसे डरावने विषय से आने वाले एक दो महीने बाद जो आपका सबसे प्यारा विषय बनने वाला है वो विषय होगा मैथ ये हमारा वादा है कि अगला जो विषय आपके दिल और दिमाग पर छाने वाला है वो विषय होगा मैथ है ना जो भी बचपन से दिक्कतें रही होंगी डर खौफ है ना दुस्साहस जो भी रहा होगा आने वाले दो तीन महीने के बाद आपकी रगों में आपके जो है बिल्कुल माइंड की नसों में पूरा दौड़ेगा मैथ ठीक भाई चलिए तो ये आपका होमवर्क है एकदम बिंदास मारते रहो बिंदास करो अगला सवाल तो भाई और एकदम बढ़िया सुपर स्टार वाला अगला सवाल भाई एकदम सुपर पावर स्टार वाला चलिए भाई बहुत ही भाई देखो सुंदर सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है ना लिख दो भाई लिख दो भाई बहुत ही भाई बहुत प्यारा सवाल यहां लिख दो भाई बहुत बहुत भाई प्यारा सवाल है ना बहुत प्यारा बहुत प्यारा सवाल चलो लिख दो बहुत प्यारा सवाल चलो इसको अंग्रेजी का नाम दे दो बहुत भाई क्यूट सवाल है ये है ना इसको नाम दे दो बहुत ही क्यूट क्वेश्चन चलो इसको बहुत ही बिल्कुल प्यारा सवाल इसको हमने नाम दे दिया भाई बहुत ही बहुत ही भाई क्यूट सवाल है है ना बहुत ही बढ़िया प्यारा सवाल है चलो इस सवाल का ऐसे भाई मुंह बना दो चलो ये लो क्यूट सवाल है ना ये हो गया बहुत ही बिल्कुल एकदम क्यूट और प्यारा सवाल चले भाई सवाल क्या है सवाल कहा गया कि देखिए सवाल में लिखा गया चलिए भाई आज का पहला भैया क्यूट क्वेश्चन है ये बढ़िया वाला सवाल आया कहा गया कि भैया ऑन डिवाइडिंग यहां लिखो यहां लिखा है कि ऑन डिवाइडिंग ये लिखा है भैया ऑन डिवाइडिंग और लिखा है टू टू सेवन टू यहां लिखा है टू टू सेवन टू एंड यहां लिखा है आठ सौ पचहत्तर ऑन डिवाइडिंग टू टू सेवन टू एंड आठ सौ पचहत्तर है ना ओके okay भाई चलिए भाई आठ सौ पचहत्तर बाय अथ्री डिजिट नंबर यहां लिखो बाय सभी लोग भैया लाइव आ जाओ है ना बाय अ थ्री डिजिट नंबर ये हमारा वादा है कि आने वाले दो तीन महीनों में जिन लोगों को भाई एक खौफ रहा होगा बचपन से गणित के नाम को लेकर के हमारा ये वादा है कि आने वाले दो तीन महीने के बाद तुम्हारा जो सबसे जीवन का सबसे प्यारा विषय बनने जा रहा है वो विषय होगा मैथ है ना ये हमारा वादा है बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक है ना सब कुछ आपको आ जाएगा आपके जीवन का बिल्कुल सुंदर सा विषय बनने वाला है थ्री डिजिट नंबर और कहा गया कि थ्री डिजिट नंबर यहां लिखा गया एन तो कहा गया कि वी गेट सेम रिमाइंडर हिंदी बोल रहे भैया परेशान मत हो है ना देखो परेशान मत हुआ करो वी गेट सेम रिमाइंडर सारी बात हम बोल देंगे बस खाली उड़ाते रहो है ना वी गेट सेम रिमाइंडर तो कहा गया कि देन फाइंड ये भैया बहुत ही बिंदास सवाल है ना फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ये जान लेना अगर इतना कर लिया फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन हिंदी में आ जाओ भाई हिंदी में आ जाओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई चलो एक काम करो भाई आज का ये पहला बिंदास बढ़िया सवाल कहा गया कि सुनो सवाल सुनो पहले कहा गया कि ऑन डिवाइडिंग टू टू सेवन टू एंड एट सेवन फाइव डिजिट नंबर एन वी गेट सेम रिमाइंडर वी गेट सेम रिमाइंडर तो कहा गया कि फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन ये पूछा गया इसका हिंदी क्या था इसका हिंदी था कि जब किसी तीन अंकों वाली संख्या से हिंदी सुन लो अच्छे से है ना जब किसी तीन अंकों वाली संख्या एन से 2275 और 875 को भाग दिया गया जब किसी तीन अंकों वाली संख्या एन से दो और 875 को भाग दिया गया तो प्रत्येक बार शेषफल बराबर आया प्रत्येक बार रिमाइंडर शेषफल सेम आया तो कहा गया कि ये जो एन था ना इस एन के अंकों का योगफल बताओ जो बंदा भाग दे रहा था वो जो एन था ना ये जो बेचारा एन था है ना ये जो बेचारा ये जो बेचारा एन था ये वाला ये जो एन भाग दे रहा था इसके अंकों का योगफल बताना है ठीक है अंकों का योगफल चलिए भाई जल्दी बोलो भाई हाँ? कितना ना चौदह आएगा ऑप्शन दिया है नहीं दिया नो ऑप्शन कितना भाई दस आएगा ध्यान रहे एक तीन अंकों की संख्या एन ने जब इसको इसको भाग दिया तो प्रत्येक बार शेषफल बराबर आया प्रत्येक बार शेषफल बराबर आया तो ये जो संख्या एन थी ना ये एन भाग देने वाली इसके अंकों का योगफल बताना है हमें बताना है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ डिवाइडर एन है ना ऑफ डिवाइजर एन चलिए भाई ये आपके जीवन की बिल्कुल बेहतरीन क्लास होने वाली है देखिए भाई दुर्घटनावश है ना सौभाग्यवश भाग्यवश दुर्घटनावश एक्सीडेंटली ये आप सभी के जीवन की गणित की सबसे धुआंधार क्लासेस होने वाली हैं इसका आपको अंदाज होगा आज से दो से तीन महीने बाद जो आपको सिखाएगा बचपन से लेकर लेकर पूरी कहानी बचपन से लेकर अभी तक की पूरी कहानी है ना जो आप नहीं सीख पाए नर्सरी में केजी में है ना कक्षा एक दो तीन चार में मतलब बचपन से लेकर के जवानी तक जो आप नहीं सीख पाए है ना गणित में तो वो आप सीखोगे यहां पर चलिए भाई अब एक काम करो देखो जब भी कोई बोले देखो हमारे पास क्या था कि एक नंबर जो दिया हुआ था एक नंबर दिया था 2000 कितना दो जरा सवाल सुनो भाई बहुत ही भाई बढ़िया सवाल है ये और ये लिखा है 875 ये लिखा था 875 अगर कभी कोई आपसे कहे कि कोई एक संख्या है ये देख लो कोई कहे कि कोई एक संख्या है तीन अंकों वाली दो अंकों वाली चार अंकों वाली पचास अंकों वाली और कोई एक संख्या किन्हीं नंबरों को भाग दे रही है अगर कभी कोई कहे कि वो इन नंबरों को भाग दे रही है और प्रत्येक बार शेषफल सेम आ रहा है और कोई तुमको वो सेम वाला रिमाइंडर ना बताए खाली ये बोले कि जो भी आने वाला है वो सेम आने वाला है अगर यहां पे बिल्ली आने वाली है अगर यहां पे बिल्ली आने वाली है तो अगले बार भी यहां पर बिल्ली आने वाली है कोई कहे कि भैया अगर यहां पे अगर यहां पे हाथी आने, तो आने, आने वाला है तो वहां पर भी हाथी आने आने वाला वाला है है यहां पे कुत्ता तो वहां पर भी कुत्ता ही आने वाला है कोई आपसे यह बता दे कि जो इन दोनों में शेष फल आने वाला है वो दोनों में सेम आने वाला है चाहे यहां पर शाहरुख खान आए तो वहां पर भी शाहरुख खान आने वाले हैं है ना अगर यहां पर मान लो अमिताभ बच्चन आए तो यहां पर भी शेष फल के रूप में अमिताभ बच्चन आने वाले हैं है ना तो इसलिए अगर कोई इन दोनों में भाग देने को बोले और आपसे कौन आने वाला है यह ना बताया जाए तो इन दोनों नंबरों को लेना सुनो भाई तो इन दोनों नंबर को लेना और इन दोनों नंबरों को आपस में घटा देना इनको आपस में माइनस कर देना माइनस करने से पकड़ में आ जाएगा कौन सा नंबर दोनों में छुपा हुआ है है ना पकड़ में आ जाएगा कौन सा नंबर जो शेष आने वाला है बताया नहीं जा रहा है और वो दोनों में छुपा हुआ है तो जब कोई ये छुपी बात ना बताए तो नंबरों को आपस में माइनस कर दो चुपचाप एक काम करना दो, दो में माइनस कर दो आठ कौन सा 875 तो ये देख लो अगर कोई तुमसे छुपी बात ना बताए है ना मान लो यहां छुपा हो आम और यहां भी छुपा हो आम और तुमसे कोई ना बोले कि भैया वहां आम छुपा है तो इस छुपे हुए आम को पाने के लिए इन दोनों नंबरों को आपस में क्या कर दो माइनस कर दो माइनस से क्या होगा कि जो वो एक्स्ट्रा बातें होती है ना वो खटाखट निकल करके आ जाएंगी सामने तो जब इनको घटाओगे तो 12 में 5 गया और सात में सात गया कितना सोलह में सात गया नौ और यहां ग्यारह में आठ गया तीन और यहां हो गया इतना तो कितना बच गया ये तुम्हारा बच गया तेरह सो सत्तानवे छुपी बातों को पाने के लिए कहीं लिख लो ये लो भैया लिख लो छुपी बातों को पाने के लिए है ना छुपी बातों को ऐसा बिल्कुल एकदम याद कर लो बातों को अगर पाना हो लिख लो छुपी बातों को पाना हो अगर छुपी बातों को पाना हो अगर छुपे हुए चोर को पाना हो अगर तो इन नंबरों को घटा दो तो छुपी हुई बातें छुपी हुई बीमारी निकल के सामने आएगी कितना आ गया तेरह और बाद में क्या करो कि इस तेरह को तोड़ दो तेरह को तोड़ दो भैया किससे किससे कटेगा ये नंबर ये नंबर तुम्हारा कटेगा शायद 11 से चेक करो किससे कटेगा भाई नंबर तुम्हारा ये चलो इसको ग्यारह से काटो तो इलेवन बन जा इलेवन बचा टू 27 इलेवन टू जा ट्वेंटी टू किससे कटेगा जल्दी बोलो अच्छा अच्छा ये तुम्हारा है भाई ये तुम्हारा है यहां पे 97 तो ये तुम्हारा कट जाएगा ग्यारह से 11 वन जा इलेवन बचा यहां से 2 11 टू जा ट्वेंटी टू बचा सात ये इतना आ गया अब देख लो भाई अब यहां तुमसे पक्का बोला जाएगा कि ये बताओ कि संख्या तुम्हारी कितने अंकों वाली थी तीन अंकों वाली कहीं बोलेंगे चार अंकों वाली कहीं बोलेंगे दो अंकों वाली तो घटाने के बाद ये देख लो घटाने के बाद तुम्हारा आंसर ये आया था अगर ये संख्या बोलते चार अंकों वाली तो हमारा आंसर होता ये वाला अगर संख्या बोलते दो अंकों वाली हमारा आंसर होता इलेवन अगर ये संख्या बोल रहे हैं तीन अंकों वाली तो हमारा आंसर होगा एक तो इसका मतलब है कि जो ये छुपा हुआ नंबर जो भाग दे रहा था ना उसमें सेम कहानी बता रहा है ये भी ये भी ये भी लेकिन जो हमारी संख्या है उसमें कितने अंक हैं उसमें तीन अंक हैं तो तीन अंक हैं तो हमारा उत्तर कौन सा होगा हमारा उत्तर होगा इतना और हमको इसको जोड़ना था तो भैया जोड़ दो तो ये आ जाएगा एक प्लस दो प्लस सात कितना आ जाएगा ये तुम्हारा आ गया उत्तर कितना दस सबको जोड़ दो तो ये जो भाग दे रहा था इसके भाग देने वाला था वन ट्वेंटी सेवन उसके अंकों का जोड़ था दस है ना भाई सबको आ गया होगा चलते हैं कल मिलते हैं थैंक यू है ना लव यू ऑल बिंदास रहो मस्ती में रहो जय हिंद जय भारत बाय बाय